kids, subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student, we are going to learn lesson number 32, the noble stag, in English Bal Bharati textbook in class 3. बच्चों आज हम बहुत अच्छा सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द नोबल स्टैग. वो हम किस में पढ़ने जा रहे हैं? इंग्लिश बाल भारती टेक्स्ट बुक में. बच्चों हम नोबल किसको बोलते हैं? जो कि बहुत महान और बहुत ही स्पेशल होता है, बहुत ही खास और अच्छा होता है. स्टैग हम किसे बोलते हैं? हम डियर को बोलते हैं. आपने स्टैग इज़ अ वाइल्ड एनिमल. स्टैग कौन सा एनिमल है? एक वाइल्ड एनिमल. आपने ऐसे नेशनल ज्योग्राफी में, एनिमल प्लेनेट चैनल में ज़रूर ये डियर की पिक्चर, स्टैग की पिक्चर ज़रूर देखी होगी. तो स्टैग किसको बोलते हैं? हम डियर को बोलते हैं. जो कि मेल स्टैग होते हैं ना, मेल डियर होते हैं ना, उसको हम डियर बोलते हैं. सो लेट्स स्टार्ट अवर लेसन. एज यू ऑल नो, किंग ब्रह्मा दत्ता ऑफ बनारस वॉज एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ हंटिंग. अभी इस लेसन में बच्चों कौन है? एक राजा है जिसका नाम क्या है? ब्रह्मा दत्ता. वो कहाँ पे रहते थे? बनारस सिटी में रहते थे. जैसे हमारे यहाँ, हम कहाँ पे रहते? जैसे हमारा शहर मुंबई होता है, भोपाल होता है, कानपुर होता है, लखनऊ होता है, ऐसी बहुत सारी सिटीज़ हमारे इंडिया में है ना. तो बनारस एक सिटी का नाम है, एक जगह है बनारस जिसको हम बोलते हैं. तो वहाँ पर कौन रहता था बच्चों? किंग ब्रह्मा दत्ता, जो वहाँ के बनारस के राजा थे. उन्हें मतलब शिकारी बहुत पसंद थी. मतलब ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग. मतलब उन्हें शिकारी करना, जानवरों की शिकारी करना, एनिमल्स की हंटिंग करना उन्हें बहुत पसंद था. लकली फॉर हिम, ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी वॉज अ ह्यूज फॉरेस्ट फिल विद डियर. मतलब वो बनारस शहर के मतलब के आसपास एक जो एक पड़ोसी शहर में एक आसपास एक बहुत बड़ा सा जंगल था. जैसे ये बनारस सिटी है बच्चों, टीचर बता रही है, एक बनारस सिटी है और उसके जो आसपास एक बड़ा सा जंगल था. और एक बड़ा सा जंगल था मतलब उसके आसपास क्या था? एक बड़ा सा जंगल था जहाँ पे मतलब उस जंगल में बहुत सारे डियर थे. मतलब बहुत सारे डियर रहा करते थे उस जंगल में. अमंग देम देयर वाज अ माइटी स्टैग. मतलब उनमें से बच्चों एक स्टैग बहुत ही स्पेशल था, बहुत ही नोबल और माइटी था. जैसे हम क्लास में पढ़ते बच्चों, तो देखो हमारे क्लास में कोई एक स्पेशल बच्चा होता जो फर्स्ट रैंक लाता है. या तो कोई गर्ल भी हो सकता है या बॉय भी हो सकता है, जो बहुत ही हमारे क्लास में बहुत ही स्कॉलर, इंटेलिजेंट और टैलेंटेड रहता है. तो वो जो फॉरेस्ट था बच्चों, जो जंगल था, वहाँ पर बहुत सारे डियर रहा करते थे. लेकिन उसमें एक बच्चों एक बहुत माइटी स्टैग भी था जो कि बहुत पावरफुल और स्ट्रांग था. अभी बच्चों इस लेसन में आगे हम देखेंगे जो किंग ब्रह्मा दत्ता है वो क्या करने जा रहे हैं बच्चों? हंटिंग करने जा रहे हैं. हंटिंग को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? शिकार करना, शिकारी करना. जैसे बहुत बड़े बड़े राजा होते हैं, उन्हें जब हंटिंग करने जाता है तो वो हंटिंग करना होता है तो वो कहाँ जाते हैं बच्चों? जंगलों में जाते हैं, फॉरेस्ट में जाते हैं. तो यहाँ पे बच्चों जो किंग ब्रह्मा दत्ता है तो वो शिकारी करने जा रहे हैं, वो हंटिंग करने जा रहे हैं अपने नेबरिंग फॉरेस्ट में, जहाँ पे बहुत सारे डियर हैं. और उनमें से बहुत ही स्पेशल टैग है. स्पेशल स्टैग कौन है? बहुत ही माइटी स्टैग भी है. तो अभी आगे हम देखेंगे इस लेसन में क्या होता है. वन फाइन डे द किंग हैड गॉन हंटिंग विथ हिज कर्टियर्स. अभी हम कर्टियस किसको बोलते हैं? जैसे हम हमारा जो राजा का दरबार होता है जहाँ पे राजा बैठा करते हैं. सपोज एग्जांपल यहाँ पे राजा बैठे, यहाँ पे उसके आसपास कौन है बच्चों? ये सब कौन है बच्चों? उसके दरबारी, उसके कर्टियस है. हाँ, उसको हम दरबारी बोलते हैं. तो किंग ब्रह्मा दत्ता ने क्या, उन्होंने सोचा कि चलो हमें शिकार करना है. किंग ब्रह्मा दत्ता वो क्या बोल रहे हैं? वो अपने महल में रहते हैं, वो क्या बोलते हैं? चलो आज हम शिकार पे चलते. वो अपने सारे कर्टियर्स को, अपने दरबारी को, अपने कंपनियर्स को ले लेते हैं. चलो आज हम हंटिंग करेंगे फॉरेस्ट में, आज हम शिकार करेंगे, एनिमल्स की हंटिंग करेंगे, वो भी जंगलों में. He told his courtiers, if you allow even single deer to escape, I will punish you severely. मतलब वो अभी किंग ब्रह्मा दत्ता है अपने दरबारी को क्या बोल रहे हैं, अपने कंपेनियन को, अपने दरबारी को क्या मतलब मैसेज, वो क्या बोल रहे, कमांड कर रहे हैं कि तुम्हें हम इस जंगल में कोई भी सिंगल डियर बचना नहीं चाहिए, हम सबको पनिश करेंगे. अगर कोई भी बच के बाहर चला गया जंगलों से तो मैं उन्हें सजा दूंगा. सो द कर्टियर फॉर्म अ टाइट सर्कल फॉर्म विच नो डियर कुड स्केप. अभी
उन्होंने क्या किया, एक एक्स एक बना दिया। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो चिल्ड्रन, दिस इज अ पिक्चर ऑफ फॉरेस्ट। आप देख सकते हो ये बहुत बड़ा सा फॉरेस्ट है जहाँ पे बहुत सारे डियर है। नाउ हियर द दिस इज अ पिक्चर ऑफ किंग ब्रह्मदत्ता जो एनिमल की हंटिंग करने जा रहे फॉरेस्ट में। और नाउ हियर दिस इज अ पिक्चर ऑफ नोबल स्टैग जो कि बहुत माइटी और पावरफुल स्ट्रांग स्टैग है, स्ट्रांग हियर है, हियर स्ट्रांग डियर है। आपने देखा होगा डियर इज अ वाइल्ड एनिमल जो जहाँ कहाँ पे रहता है, जंगलों में रहता है। उसके कटियर्स आप देख सकते हो उसको कैसे घेरे हुए हैं, उसके दरबारी जो सिपाही है जिसके साथी है राजा के, उन्होंने क्या किया, एक प्लानिंग की, हम जंगलों में जाएंगे और हम एनिमल्स की हंटिंग करेंगे। और उसके कर्टियस है, उन्होंने क्या की, उन्होंने एक राउंड अप बना लिया कि कोई भी सॉरी बच्चों आपको यहाँ पे थोड़ा सा थोड़ा डिस्टर्ब हो गया होगा। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट का पिक्चर है। और उसके कटियर्स आप देख सकते हो कैसे डियर्स को घेरे हुए हैं। और हियर दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ किंग ब्रह्मदत्ता जो एनिमल्स की हंटिंग करने आए फॉरेस्ट में। हियर दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ नोबल स्टैग, नोबल स्टैग देख सकते हो जिसको हम डियर बोलते हैं, जो मेल डियर होता है जो जंगलों में रहता है। डियर इज़ अ वाइल्ड एनिमल जो जंगलों में रहता है। तो जो किंग ब्रह्मदत्ता किसको सबको कमांड दे रहे कि चलो अभी हम जाएंगे फॉरेस्ट और फॉरेस्ट में एनिमल्स की हंटिंग करेंगे। उन्होंने अपने सारे अपने दरबारी को कटियर्स को क्या इंस्ट्रक्शन दिया, सब लोग क्या करो, घेर लो, जंगलों में जाओ और एक बड़ा सा सर्कल बना लो, कोई भी डियर हमारे हाथ से बचना नहीं चाहिए, हमें हमें आज सबकी हंटिंग करनी है। अभी बच्चों आप देख सकते हो क्रिंग ब्रह्मदत्ता है वो क्या बोल रहे हैं, क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि कोई भी, उन्होंने अपने कटियर्स को क्या क्या कमांड दिया। बच्चों आप देख सकते हो उन्होंने अपने कटियर्स को ये कमांड दिया कि कोई भी डियर बचना नहीं चाहिए जंगलों में, हमें सारे एनिमल्स की हंटिंग करनी है इस फॉरेस्ट में। सी हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ क्रिंग ब्रह्मदत्ता जो नोबल स्टैग की हंटिंग करने आए हैं जंगलों में। उन्होंने क्या मैसेज दिया अपने कटियर्स को, बोला कि हमें एनिमल्स की हंटिंग करना है। अगर कोई भी हंट अगर यहाँ पे आप कर्टियस को देख सकते हैं, अगर कोई भी डियर हमारे हाथ से बचा तो मैं उसे सजा दूंगा, मैं आज एनिमल्स की हंटिंग करूँगा। अभी आगे इस लेसन में देखेंगे क्या होता है बच्चों। सो द कर्टियस फॉर्म अ टाइट सर्कल फ्रॉम विच नो डियर कुड स्केप, देन दे बिगेन टू बीट द स्टिक ऑन द ग्राउंड to frighten the deer hiding in the bushes to make them run. The only way out of their circle was through a small clearing where the king stood ready with his bow and arrow. The courtiers were beating the stick on the ground and shouting when suddenly a stag leaped out of a thicket. अभी यहाँ पे आप बच्चों देख सकते हो, here you can see the picture of courtiers how they are standing over here. कि मतलब उन्होंने मतलब जंगलों को पूरा घेर लिया कि चलो अभी अभी हमें एनिमल्स की हंटिंग करनी है, तो हम उन्होंने क्या किया, स्टिक क्या किया, ग्राउंड पे जोर से मारा, और मतलब जोर जोर से ग्राउंड पे मारा ताकि जो डियर्स है वो डर जाए। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो क्रिंग ब्रह्मदत्ता है वो मतलब रेडी है नोबल स्टैग को मारने के लिए, मतलब रेडी है। उन्होंने क्या लिया, अपना तीर कमान लिया, उससे क्या करने जा रहे हैं, स्टैग को मारने जा रहे हैं। मतलब वो सब अपने हथियार से तैयार हो गए कि हमें आज एनिमल्स की हंटिंग करनी है, कि कोई भी डियर इस जंगल से बचना नहीं चाहिए। उन्होंने क्या किया, एक स्टिक लिया और जोर जोर से मतलब बीट करने लगे, ग्राउंड पे बीट करने लगे, जिसकी आवाज़ से मतलब जो डियर थे वो डर गए, वो कहाँ कहाँ छुप गए, झाड़ियों में,
ट्रीज के अंदर, मतलब ट्रीज के अंदर छुप गए। और जो यहाँ पे किरण भम्मा दत्ता आप देख रहे हो, वो किसके लिए तैयार है? शूटिंग के लिए तैयार है। शूटिंग के लिए तैयार है कि उन्हें तीरबाजी करनी है, मतलब उन्होंने तीर लिया और अपना कमान लिया और वो नंबर स्टेक पर शुभ निशाना मारने जा रहे हैं। अभी बच्चों से आगे इस लेसन में देखेंगे क्या होता है। द स्टेक सो डैट किंग वॉज स्टैंडिंग इन द वे, सो ही लुक द किंग स्टेक इन द आई एंड मेड अ डैश टूवर्ड्स हिम। द किंग वॉज टेकन अ बैक एंड शॉट एन एरो टूवर्ड्स द स्टेक हरिडली, ऑफकोर्स इट मिस्ड द मास बट द स्टेक रोल ओवर। अभी आप देख सकते हो, हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ किरण भम्मा दत्ता और दिस इज द पिक्चर ऑफ नोबल स्टेक। नाउ व्हाट ही इज गोइंग टू डू, जो किरण भम्मा दत्ता है वो क्या करने जा रहे हैं? ही इज गोइंग टू शूट नोबल स्टेक। वो नोबल स्टेक जो माइटी पावरफुल जो डियर है उसको क्या करने जा रहे हैं? मारने जा रहे हैं कि अभी मैं तीर ऐसा निशाना मारूंगा जिससे जो ये डियर है वो मर जाएगा। तो अभी यहाँ पे किरण भम्मा दत्ता भी खड़े हैं और ये जो नोबल स्टैग है वो भी खड़ा है। तो उन्होंने क्या किया, अपना तीर लिया, कमान लिया, जोर से उसके निशाना बाजी उस डियर पे किया, जिससे मतलब वो जब उन्होंने पहला निशाना उस पर मारा, ऐसा पहला निशाना मतलब स्पेशल टेक पे मारा, वहनी शूट फर्स्ट मतलब फर्स्ट 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 पॉइंट टू दो स्पेशल टेक, मतलब वो जो पहला निशाना है इस डियर पे बिल्कुल नहीं लग पगा, स्पेशल टेक पे बिल्कुल नहीं लगा, स्पेशल जो टैग था वो उस निशाने से बच गया। अभी इस लेसन में आगे हम देखेंगे कि क्या होगा। नाउ देर इज वन थिंग डैट यू मस्ट नो अबाउट द स्टैग, इट हैज एक्सीलेंट स्टिंग एंड एक्सट्रीमली गुड एट डॉजिंग एरो वेदर शॉट एट फ्रॉम द बैक फॉर फ्रंट और इवन द टॉप। इफ एन एरो इज एम इट्स ऑन इट्स बेली इट प्रिटेंड टू रोल ओवर एंड द जंप अप रन्स वंस द डेंजर हैज पास। अभी इस लेसन में हम क्या देख सकते हो, किरण भम्मा दत्ता जब नोबल स्टैग को मारने जा रहे हैं, निशाना सा बाजी करने जा रहे हैं, तो क्या होता है बच्चों? बच्चों क्या होता है, जो स्पेशल नोबल स्टैग होता है उस निशाने से बच जाता है, मतलब वो इतना ही स्टार्टेड जंपिंग, मतलब वो जंपिंग करने लगता है, मतलब जो यहाँ पे आप देख सकते हो किरण भम्मा दत्ता की जो है एरो है वो ज़मीन पे गिर जाती है और जो स्पेशल नोबल स्टैग है वो मतलब ऐसे छलांग मारता है, ऐसी जंपिंग करता है उस निशाने से, मतलब इतने जानवरों में इतनी सेंस रहती है कि वो मतलब वो लोगों की भाषा को बराबर समझ लेते हैं कि ये मुझे मारने वाला है तो मुझे उससे कैसे बचना है। मतलब जो स्पेशल टैग होता है नोबल स्टैग रहता है वो क्या करता है, मतलब जोर से छलांग मारता है और उस निशानाबाजी से बच जाता है। आप देख सकते हो कि कैसे ये जो किरण भम्मा दत्ता है वो कैसे निशाना कर रहा है, उसकी जो तीरबाज है तीर है वो जमीन पे गिर जाती है और ये जो ये जो नोबल स्टैग है वो उस निशाने से बच जाता है। अभी इस लेसन में हम आगे देखेंगे क्या होता है। So when this stag rolled over, the king thought that his arrow had found its mark. He lowered his bow and began to walk towards the stag. But the stag suddenly jumped up and showed past the man. When the courtiers realized the king had been mistaken, they started to laugh. Now the king thought himself to be excellent marksman and could not bear the taunt of his men. He grabbed his sword and set off into the forest in order to catch the stag. So when the stag rolled over, the king thought that his arrow had found its mark. He lowered his bow and began to walk towards the stag. But the stag suddenly jumped up and shot past the man. When the courtiers realized the king had been mistaken, they started to laugh. Now the king thought himself to be excellent marksman and could not bear the taunt of his men. He grabbed his sword and set off into the forest in order to catch the stag. He chased the stag for quite a while and covered a long distance. ना हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ फॉरेस्ट। आप फॉरेस्ट का पिक्चर देख सकते हो, ये दिस इज द पिक्चर ऑफ फॉरेस्ट। ये जंगल है जहाँ पे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे डियर हैं और वो मतलब छोटे छोटे डियर हैं और इसके कर्टियर्स आप देख सकते हो जो मतलब सारे डियर्स को क्या कर लिया है, उन्होंने घेर लिया है। अभी हम देखते हैं कि जो किरण भम्मा दत्ता है वो क्या करने जा रहे हैं,
क्या करने जा रहे हैं, ये नोबल स्टैक को किल करने जा रहे हैं, मतलब निशानाबाजी शूटिंग करने जा रहे हैं। जब उन्होंने क्या किया, बहुत सारे निशाने किए, बहुत सारे मतलब मारे, लेकिन उनका निशाना जो है कैंसल हो गया, मतलब जिससे क्या वो निशानों से जो हमारा जो नोबल स्टैक था वो बच गया। और जो ये विक्रम ब्रह्मादत्ता की जो एरो है वो ज़मीन पे गिर जाती है, फिर उससे क्या होता है, उसके जो सारे कर्टियस रहते हैं, दरबारी रहते हैं, वो राजा पे हंसने लगते हैं कि हमारे हमारे राजा है जो कि बहुत बहुत ही महान है, वो एक एक नॉर्मल से एक मामूली से हिरण को नहीं मार पा रहे, मामूली से हिरण का शिकार नहीं कर पा रहे। मतलब उन्होंने बहुत कोशिश की, किंग ब्रह्मादत्ता जो है वो बहुत कोशिश कर रहे कि मैं इसे कैसे मारूं, इतना मतलब निशानाबाजी करते जिस ऐसा इतना कितना मारते हैं, 3-4 बार निशाना ट्राई करते, जो निशाने से जो हमारा जो नोबल स्टैग है उस निशाने से बच जाता है, उसकी जो ये जो एरो है वो ज़मीन पे गिर जाती है, उससे क्या होता है, ये सीन देख के ये जो इसके कर्टियस है वो हंसने लगते कि हमारा जो राजा है किंग ब्रह्मादत्ता वो तो बहुत गलती कर रहा है, बहुत गलतियां कर रहा है, वो हमारे एक मामूली से जानवर को मार नहीं पा रहा है, ये लगता है उसे शूटिंग आती नहीं है। ये देख के किंग ये सीन देख के ये मंजर देख के जो किंग ब्रह्मादत्ता है उसे बहुत गुस्सा आता है कि अब मैं इस हिरन को स्टैग को मार के ही रहूँगा, क्योंकि क्यों अब मैं ऐसा निशाना मारूंगा जिससे ये जो नोबल स्टैग है वो मर जाएगा। अभी आगे हम इस लेसन में देखेंगे क्या होता है बच्चों। द स्टैग कैम अपॉन अ होल इन द ग्राउंड दैट वॉज कवर्ड बाय रोटिंग ट्री एंड फिल्ड विद स्लाइम फ्रॉम अ डिस्टेंस कुड फील इट कुड इट कुड स्मेल द डर्टी वाटर सो वॉज केयरफुल नॉट टू रन बट द किंग कुड नॉट सेंस द पिट एंड फेल इट इन टू इट। अभी क्या होता है, जब ये किंग ब्रह्मादत्ता है उन्होंने मतलब ठान लिया कि मुझे इस टैग को मुझे मारना है, मुझे किस हाल में मारना है, वो बहुत निशानाबाजी करते हैं जिससे उनका निशाना वो कैंसल हो जाता है, उस निशाने से जो हमारा जो नोबल स्टैग है वो बच जाता है, मतलब कि उनकी जो कमान है वो नीचे गिर जाती है, ज़मीन पे गिर जाती है, जिससे हमारा मतलब ये जो नोबल स्टैग है वो बच जाता है। कि वो मतलब वो क्या सोच रहे हैं कि किंग ब्रह्मादत्ता कि मैं ऐसी प्लानिंग करूंगा, मैं ऐसा निशानाबाजी करूंगा जिससे ये जो नोबल स्टैग है वो मर जाएगा। तो मतलब क्या होता है, जब ये जो नोबल स्टैग वो मतलब इतने ज़ोर से छलांग मारता है तो वो कहाँ गिरता है, एक ऐसे कीचड़ वाले घड़े में गिरता है जहाँ पे बहुत से झाड़ जो रहते हैं वो सड़े हुए रहते हैं, बहुत ही गंदगी रहती है, जहाँ पे जो पेड़ रहते हैं ना जंगलों के फॉरेस्ट, कुछ ऐसे फॉरेस्ट रहते हैं कीचड़ रहते हैं कि जो पेड़ रहते हैं वो सड़ जाते हैं, उसकी स्मेल इतनी स्ट्रांग रहती है कि वो मतलब किंग ब्रह्मादत्ता वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं। तो मतलब फिर क्या होता है, अभी हम आगे देखेंगे। आफ्टर अ वाइल द स्टैग रियलाइज दैट ही वॉज नॉट बींग फॉलो एट एनी लॉन्गर ही अंडरस्टूड द किंग हैड परहैप्स फॉलन इन द पिट। अभी जब क्या होता है, ये किंग ब्रह्मादत्ता क्या सोच रहे हैं कि मैं इसे किंग ब्रह्मादत्ता क्या बोलते हैं कि मैं इस नोबल स्टैग को मार के रहूँगा, मतलब वो उसका पीछा करने लगते हैं। जो जो नोबल स्टैग है वो कहाँ गिर जाता है, एक मतलब रोटिंग ट्री के पास आ जाता है जहाँ पे बहुत सारे पेड़ जो रहते हैं वो सड़ जाते हैं, और एक बड़ा सा पिट बना रहता है जिसको हम घड़ा बोलते हैं। उस घड़े में जो किंग ब्रह्मादत्ता है वो भागते भागते उस घट्टे में गिर जाते हैं, उस घड़े में गिर जाते हैं। So the stag went back to the pit, saw the king struggling for his life. The stag felt very sorry for the king. He determined to save the king's life, even though the king was following with the intention to kill him. अभी जब क्या होता है, किंग ब्रह्मादत्ता अभी क्या सोच रहे हैं, उन्होंने क्या सोचा है कि मैं इस स्पेशल नोबल स्टैग को मैं मार के रहूँगा। उन्होंने बहुत सारी मतलब कमान मतलब यूज़ की जिससे निशाना उनका कैंसल हो गया, मतलब उन्होंने ऐसा पीछा किया नोबल स्टैग का कि नोबल स्टैग कहाँ आ गया, एक एक सड़ी हुई झाड़ियों के पास आ गया जहाँ पे बहुत सारे पेड़ सड़े हुए हैं। अब वो मतलब ऐसी जगह पे आता है जिसको हम पिट बोलते हैं। पिट हम किसको बोलते हैं, एक खड्डे को बोलते हैं, जो खड्डा रहता है ना, जैसे हमारे देखो ग्राउंड में बहुत सारे खड्डा होता है, बहुत सारे अंकल लोग जब इसी हमारे रोड का कंस्ट्रक्शन करते रहते हैं ना, जिसको हम गटर बोलते हैं हिंदी में, तो मतलब एक जो बड़ा सा खड्डा रहता है उस पर कौन गिर जाता है बच्चों, हमारा जो किंग है ना, किंग मतलब हमारे पिट के अंदर गिर जाता है। मतलब ये देख के वो लगता है कि अरे ये तो अभी हमारा किंग खड्डे में गिर गया, अब तो उसकी जान भी जा सकती है। तो ये नोबल स्टैग जो होता है उसकी लाइफ बचाने के लिए जाता है कि अरे ये किंग तो अपनी जान
अगर अगर मैंने इसे खड्डे से नहीं उठा बचाया तो ये मर जाएगा। तो नोबल स्टैक क्या करता है, नोबल स्टैक देखता है कि एक रिंग बम्मा दत्ता है जो बहुत अपनी ज़िंदगी से अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, मुझे इसे इसकी लाइफ को बचाना चाहिए। फिर क्या होता है, जो नोबल स्टैक अब किंग बम्मा दत्ता की जान कैसे बचाते हैं, अब देखेंगे आगे क्या होता है। द स्टैक टोल्ड द किंग नॉट टू वरी एंड टू ब्रेव द स्टैक टोल्ड द किंग नॉट टू वरी एंड टू ब्रेव फॉर अ वाइल लॉन्गर। ही देन कॉफ अ ह्यूज रॉक विथ हिज हिंड लेग्स एंड लवर हिमसेल्फ इन टू द पिट। द किंग कॉफ होल्ड ऑफ हिज नेक होल्ड ऑफ हिज नेक एंड द स्टैक द किंग कॉफ होल्ड ऑफ हिज नेक द स्टैक क्लाइंब आउट इन टू द लेवल ग्राउंड एंड कैरी द किंग टू सेफ्टी। The stag told the king not to worry and to brave for a while longer. He then cough a huge rock with his hind legs and lower himself into the pit. The king cough hold of his neck, hold his neck. The stag climbed out into the level ground and carried the king to safety. अभी क्या होता है, जब हमारा जो किंग बम्मा दत्ता है वो कहाँ पे गिर जाता है, एक बड़े से घड़े में गिर जाता है। किंग दत्ता कहाँ पे गिर जाता है, एक बड़े से घड़े में गिर जाता है, लेकिन उसकी जान चली जाती है। तो नोबल स्टैक क्या बोलता है कि मैं उसकी जान को ज़रूर बचाऊंगा, कि वो नहीं तो किंग बम्मा दत्ता मर जाएगा। तो किंग बम्मा दत्ता मर जाएगा। फिर नोबल स्टैक क्या बोलता है कि मैं किंग बम्मा दत्ता की जान बचाऊंगा। तो वो बड़ा सा रॉक लेकर आता है, पिट के पास रखता है, जिससे जो हमारा जो ये किंग बम्मा दत्ता है, मतलब हमारे स्टैक का क्या करता है, नेक पकड़ के वो मतलब बच जाता है, नेक पकड़ के वापस आ जाता है। कि हमने कैसा देखा है कि किंग बम्मा दत्ता है जो स्पेशल नोबल स्टैक को मारने के लिए आया था, लेकिन नोबल स्टैक ने क्या किया, इस किंग बम्मा दत्ता की जान बचाई। द किंग थैंक द नोबल स्टैक अगेन एंड अगेन एंड आस्क्ड हिम टू रिटर्न विथ हिम टू बनारस वेर ही कुड हैव एनीथिंग एंड एवरीथिंग ही वॉन्टेड। बट द स्टैक डिड नॉट वॉन्ट एनीथिंग इन रिटर्न फॉर हिज हेल्प। ही जस्ट रिक्वेस्टेड द किंग टू रूल वाइजली एंड बी काइंड टू एनिमल। देन द नोबल स्टैक डिसअपियर इन टू द फॉरेस्ट। किंग बम्मा दत्ता देन वो नॉट टू हर्ट एनी एनिमल्स। अभी बच्चों इस लेसन में आपने क्या देखा, जो किंग बम्मा दत्ता है जो बनारस सिटी में रहते हैं, उन्होंने क्या सोचा कि चलो मैं अपने कर्टियस के साथ जाऊंगा और मैं हंटिंग करूंगा, एनिमल्स की हंटिंग करूंगा। वो अपने सारे कर्टियस को इंस्ट्रक्शन दे देते कि आप लोग इतनी ऐसी मतलब टाइट फील्डिंग लगा दो, मतलब ऐसे हथियार इस्तेमाल करो कि कोई भी डियर जंगल से बच के जाना नहीं चाहिए। लेकिन आपने देखा जो उनमें से बहुत सारे डियर में से एक जो बहुत ही स्पेशल स्टैक था, बहुत ही स्पेशल स्टैक, नोबल और माइटी और पावरफुल स्टैक था, जिन्होंने मतलब इतनी चालाकी से काम किया, मतलब किंग बम्मा दत्ता जिसको बार बार शूट करना चाहते थे, बहुत बार निशाना लगा रहे थे, जिससे वो उस निशाने से बच गया और उसकी जो जो एरो थी वो ज़मीन पे गिर गई। और वो जो नोबल स्टैक था वो मतलब कूदते कूदते जंपिंग करते करते ऐसी जगह पे आ गया, खड्डे के पास आ गया। उस खड्डे के पास कौन गिर जाता है बच्चों, किंग बम्मा दत्ता स्पिट में गिर जाते हैं। लेकिन उनकी जान को कौन बचाता है बच्चों, नोबल स्टैक उनकी जान बचाते। वो क्या यूज़ करते हैं, एक बड़ा सा रॉक यूज़ करते हैं, जिससे नोबल जो किंग बम्मा दत्ता रहता है वो नोबल स्टैक की नेक को होल्ड करते हैं और वो उस खड्डे से बाहर आ जाते हैं। कि हमने कैसा देखा कि जो किंग था, हमने कैसा देखा कि जो किंग बम्मा दत्ता था वो किसको मारना चाहता था, नोबल स्टैक को। लेकिन नोबल स्टैक ने इतनी अच्छाई से काम किया, उसने मतलब जब खड्डे में किंग बम्मा दत्ता गिर जाते हैं तो किंग बम्मा दत्ता को कौन बचाता है, नोबल स्टैक बचाता है। फिर बाद में क्या होता है, जब लास्ट में जब किंग बम्मा दत्ता की जान बच जाती है तो किंग बम्मा दत्ता किसको थैंक यू बोलते हैं बच्चों, नोबल स्टैक को थैंक यू बोलते हैं कि थैंक यू स्टैक, आपने मेरी जान बचाई, मैं तो आपको मारने के लिए आया था लेकिन आपने मेरी जान बचाई। फिर नोबल स्टैक किंग बम्मा दत्ता को क्या बोलता है, चलो कोई बात नहीं, हमें मतलब नोबल स्टैक मतलब उसकी अच्छाइयों से इतना खुश आ जाता, ये क्या बोलते, किंग बम्मा दत्ता मतलब किसको थैंक यू बोलता है, नोबल स्टैक, क्योंकि थैंक यू नोबल स्टैक कि तुमने मेरी जान बचाई, तुम्हें मेरे शहर
तुम्हें मेरे शहर बनारस में आना चाहिए, अगर आपको वहाँ पे जो भी चीज़ चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन नोबल स्टैक क्या बोलता है, नहीं मुझे इसके बदले कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोग एनिमल्स की रेस्पेक्ट करो, आप समझदारी से अपने सिटीज बनारस में काम करो, लेकिन आप एनिमल के साथ भी प्यार से पेश आओ, उन्हें तकलीफ मत करो, उन्हें हर्ट मत करो, उन्हें कोई तकलीफ मत दो, उन्हें मारो मत। बच्चों हमें एनिमल्स को मारना चाहिए? नो, वी शुड किल द एनिमल्स, नो वी शुड नॉट किल द एनिमल्स, के एनिमल्स बोलते नहीं है, लेकिन हमें एनिमल्स की रेस्पेक्ट करना चाहिए, उन्हें मारना नहीं चाहिए, हमें शिकार नहीं करनी चाहिए। इसलिए हमारे कंट्री इंडिया में हंटिंग 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 हमारे इंडियन कंट्री में फॉरेस्ट में हंटिंग करना अलाउड नहीं है, किसी एनिमल्स को मारना, किसी जानवर को जान से मारना, किल करना ये बुरी बात है। हमें जानवरों का शिकार नहीं करना चाहिए, बर्ड्स को एनिमल्स को हमें मारना चाहिए बच्चों? नहीं मारना चाहिए बच्चों, क्योंकि वो हमारे एनिमल्स है, बर्ड्स है, हमें उनकी रेस्पेक्ट करना चाहिए। कि अभी यहाँ पे आपने इस लेसन से हमने क्या सीखा है कि किंग मोहम्मद अत्ता है वो किसको मारने के लिए आए थे, नोबल स्टैक को, लेकिन नोबल स्टैक ने क्या किया, किंग बम्मा दत्ता की जान बचाई, जिसने नोबल जो किंग बम्मा दत्ता की जान बचाई, किंग बम्मा दत्ता ने किसको थैंक यू बोला, नोबल स्टैक को थैंक यू बोला है कि आप मेरे शहर बनारस आ सकते हो, आपको जो भी चाहिए आप बनारस में ले सकते हो। लेकिन नोबल स्टैक क्या बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो जंगल से गायब हो जाता है, कि आप लोग बस समझदारी से काम करो, आप एनिमल्स के साथ अच्छी तरह से पेश आओ, आप लोग एनिमल्स की रेस्पेक्ट करो, हमें एनिमल्स को नुकसान नहीं देना चाहिए, हमें एनिमल्स को किल नहीं करना चाहिए, कि हमें एनिमल्स की हमें इज्जत करनी चाहिए, उन्हें हमें खाना प्रोवाइड करना चाहिए, हमें मतलब उनकी जो भी चीज़ है, क्योंकि एनिमल्स बोलते नहीं है, हमें हर चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो बच्चों आज का लेसन आपने बहुत बहुत मज़े किया होगा, चलो हम इसकी मीनिंग्स भी देख लेते हैं, मीनिंग्स क्या है इसके ज़रा। आउटस्कर्ट हम किसको बोलते हैं, आउटर पार्ट ऑफ सिटी और टाउन, मतलब सिटी के बाहर वाला हिस्सा। कर्टियस हम किसको बोलते हैं बच्चों, पर्सन एट द कोर्ट ऑफ किंग, पर्सन, हाँ कर्टियस हम किसको बोलते हैं, जैसे ये राजा का दरबार है और यहाँ पे राजा बैठा है और उसके बहुत सारे दरबारी है, कंपानियन है। हम थिकेट किसको बोलेंगे, थिक ग्रोथ ऑफ शब एंड प्लांट, बहुत सारी झाड़ियाँ। इंस्टिंक्ट हम किसको बोलेंगे बच्चों, इनबॉर्न वे टू ऑफ बिहेवियर ऑफ थिंकिंग, इंस्टिंक्ट यानी जो एनिमल्स में मतलब वो जो चालाकी रहती है सोचने समझने की, वो इंसानों की भाषा को समझ लेते हैं। डॉजिंग मूविंग असाइड क्विकली टू अवॉइड एरो ब्लो, मतलब डॉजिंग का मतलब क्या होता है, मतलब निशाने से बचकर जाना। मार्क्समैन अ पर्सन किलिंग शूटिंग इन हिटिंग और टारगेट, मार्क्समैन मतलब एक निशाना लगाना तीरबाजी से, मतलब एक परफेक्ट निशाना लगाना। टॉन्ट टॉन्ट हम किसको बोलते हैं, टीजिंग और इंसल्टिंग, मां जैसे हमें किसी को चिढ़ाना होता है, किसी को बेइज्जत करना होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, टॉन्ट। तो बच्चों अगर आपको मेरा लेसन ये पसंद आया होगा तो मेरे लेसन को जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।